नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। होप करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज्यादा धूमधाम मजे में होंगे। खैर चलिए, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है कि क्या डॉग को दूध देना सही है या फिर गलत है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आज के बाद आपको दूध पे कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों आप लोग कंफ्यूजन में फंसे हुए हो कि क्या डॉग को दूध देना सही है या फिर गलत है। कंफ्यूजन में इसलिए फंसे हुए हो क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर आपको ये बोलते हैं या फिर बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं कि डॉग को दूध मत दीजिए क्योंकि डॉग आपका बीमार पड़ जाता है। वहीं पर आप अपने घर के आसपास या फिर कहीं भी ये देखते होंगे, लगभग 40% लोग अपने डॉग को दूध देते हैं एज ए मेन फूड खाने के लिए। जैसे कि रोटी में दूध मिला दिया, जैसे कि चावल में दूध मिला दिया, चूड़ा में दूध मिला दिया, तो इस तरीके से लोग अपने डॉग को दूध देते हैं एज ए मेन फूड। और ये 40% लोग देते हैं, ठीक है। लेकिन उनका डॉग कभी भी बीमार नहीं पड़ा है, और उसमें से बहुत सारे डॉग अपने पूरी जिंदगी को जिया है, 9 साल जिया है, कुछ 11 साल जिया है, ठीक है। तो इन सारे बातों को देख करके आपको कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि डॉग को दूध दोगे तो खराबी करेगा, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डॉग कभी बीमार नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कुछ डॉग पड़ते हैं लेकिन ज्यादातर आप देखते होंगे कि डॉग बीमार नहीं पड़ रहा है। खैर आज मैं इसलिए हूं कि आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उनके बारे में जो ये बोलते हैं कि डॉग को दूध देना नुकसानदायक है, उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है। दोस्तों वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ चीज सच में ऐसी होती हैं दूध में जो आपके डॉग को खराबी करता है। हालांकि वो अभी आपको ना दिखे लेकिन कुछ दिन बाद जाकर के वो दिखेगा, और बहुत सारे डॉग में ये नहीं दिखता है। वो क्यों नहीं दिखता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आपके अपने डॉग को दूध कैसे देना है ताकि वो भी खराबी ना करे, बदले में फायदा करे, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बताता हूं कि वो क्या कारण है जो डॉग को खराबी कर सकता है दूध। दोस्तों खराबी करने वाला चीज मिल्क में दो चीज पाया जाता है, एक होता है मिल्क प्रोटीन, दूसरा होता है लैक्टोज, जो कि मेन कारण है। दोस्तों लैक्टोज क्या होता है कि दूध का शुगर होता है। अब मैं सॉरी चाहूंगा कि आपको हो सकता है ये अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, और वादा करता हूं कि आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने डॉग के लिए ये वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। दोस्तों वो जो लैक्टोज पाया जाता है ना, वो दूध का शुगर होता है, और जिसको डॉग पचा नहीं सकता है, क्योंकि लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज चाहिए जो कि डॉग रिलीज नहीं करता अपने पेट में, और इसे पचा नहीं पाएगा। और जब वो डॉग, आप दूध देते हो डॉग को और जब पेट में जाता है ना दूध, तो वो लैक्टोज, और वो जो लैक्टोज होता है ना, वो पेट में जीआई ट्रैक में अलग जगह पे स्टोर हो जाता है, और वहां पे वो पानी को खींचने लगता है, ठीक है। और पानी खींचने के बाद वहां पे फ्रेगमेंटेशन होता है जिसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया बन जाता है। और ये प्रोसेस अगर चलता रहा ना, तो कुछ दिन के बाद डॉग में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, एक बीमारी आ जाता है, ठीक है। उस बीमारी के बारे में मैं आपको आगे बतला दूंगा, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि लैक्टोज लेने के बाद जस्ट अगर आप अपने डॉग को दूध दिए, तो हो सकता है कि आपका डॉग उल्टी कर दे, उसी समय उल्टी कर दे, उसके पेट में दर्द होने लगे या फिर गैस बनने लगे। तो ये सारा चीज होता है दूध देने के जस्ट बाद, और ये नॉर्मली 12 घंटे से पहले आपको आ जाएगा। अगर ये बहुत कस के हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखवाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डॉग को दूध सूट नहीं करता है, और बहुत सारे डॉग को करता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए ये शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, मतलब कि 12 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। वहीं पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब न्यू पप्पी खरीद के लाते हैं ना अपने घर में, तो उसको गाय का मिल्क, बकरी का मिल्क या फिर भैंस का मिल्क उसको दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पप्पी को बहुत ही तगड़ा वाला लूज मोशन हो जाता है वो दूध पीने के बाद। और मैं, जैसा कि मैं अपने अनुमान से आपको बता रहा हूं कि 100 में से 1 पप्पी मर जाते हैं यही दूध देने के कारण से, ठीक है। तो प्लीज दूध डॉग को मत दीजिएगा, क्या होता है कि लूज मोशन हो गया, उसके पेट में गैस बनने लग जाता है, डाइया वगैरह, तो आप उतने जल्दी समझ नहीं पाते हो, और डॉक्टर आपके पास होता नहीं है, जिसके कारण से बेचारे पप्पी की जान चली जाती है, ठीक है।
तो ये हो गया शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉग को दूध देते हैं और उसको कुछ नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो उसको शो नहीं कर पाता है वो जो रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, हालांकि जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो टॉपिक से अलग है, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों मेरे घर के पास 1 किलोमीटर के अंदर में एक समोसे वाला है जिसका बहुत ही ज़्यादा सेलिंग है, ठीक है। हालांकि लोग कहते हैं कि अच्छा बनाता है, टेस्ट उसका अच्छा है, लेकिन उसके बनाने का जो प्रिपरेशन का जो प्रक्रिया है ना बहुत ही ज़्यादा घटिया है। सबसे पहला तो वो कलर यूज़ करता है अंदर में जो होता है आलू, उसमें वो भी कलर यूज़ करता है। 1 रुपए का जो पैकेट आता है छोटा सा, जिसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, वो यूज़ करता है। साथ ही साथ जो समोसा को फ्राई करता है ना वो लो क्वालिटी के डालडा में करता है या जिसमें हो, तो बहुत ही घटिया तरीके से वो बनाता है। अक्सर वो मेरे घर में आ ही जाता है और मेरे घर के लोग उसे खा लेते हैं, कभी कभी मैं भी खाया हूँ। और होता क्या है कि मेरे साथ जब भी मैं उसे खाता हूँ ना तो मेरे पेट में बहुत ही कस के दर्द हो जाता है, अराउंड 1 से 2 घंटा वो मेरे पेट में दर्द रहता है। हालांकि मैंने कल अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि पूरी ज़िंदगी में उसका कभी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे घर में जितने भी लोग हैं किन्हीं को पेट दर्द नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो समोसा उसके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों समोसे में यूज़ किया गया कलर और साथ ही साथ वो लो क्वालिटी का जो डालडा है ना वो उसके बॉडी में जब जाएगा तो लॉन्ग टर्म के बाद उसे इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, और मुझे शॉर्ट टर्म में ही दिख गया। यही चीज़ होता है डॉग में भी, अगर आप उसे दूध दे रहे हो तो हो सकता है कि वो आपको इफेक्ट शो ना करे, रिजल्ट शो ना करे, ठीक है, मतलब कि गड़बड़ी शो ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाने के बाद उसके स्टोमेक में एक डिजीज हो जाता है जिसको कहते हैं पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि डॉग के पेट में बहुत ही कस के दर्द होता है, वो दर्द इतना कस के होता है कि जिसके कारण डॉग की जान भी चली जाती है। तो दोस्तों ये जो बीमारी है ना ये आपके डॉग में हो सकता है कि 1 साल के बाद आ जाए, या फिर 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, या फिर कभी भी ना आए, क्योंकि ज़िंदगी तो उसका 12-13 साल का होगा ही नॉर्मली, तो कभी ना आए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके डॉग के लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। हालांकि दूध तो खराबी कर रहा है, लेकिन ये बीमारी पेनक्रियाटाइटिस आपके डॉग में कब शो कर दे, 1 साल के बाद शो कर दे, 2 साल के बाद शो कर दे, या फिर 10 साल के बाद शो करे, ये डिपेंड करेगा डॉग के लक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसी के कारण से बहुत सारे लोग जो अपने डॉग को दूध दे रहे हैं उसको ये चीज़ें शो नहीं हो रही है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप डॉग को दूध ना दें, क्योंकि उसमें लैक्टोज की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, और साथ ही साथ उसमें प्रोटीन होता है, मैंने बताया था ना प्रोटीन। उस प्रोटीन के कारण क्या होता है कि डॉग के स्किन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। स्किन में कह लो कि हेयर फॉल आ सकता है, रेडनेस आ सकता है, या फिर उसको इचिंग टाइप में उसको बीमारी हो जाएगा, ठीक है, नोचनी टाइप में। तो प्लीज़ दूध कभी भी डॉग को मत दीजिए। बदले में आप दे सकते हो उसको बटर या फिर चीज़ दे सकते हो, या फिर दही दे सकते हो, वो भी दही आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, मतलब कि आप एक दिन में 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे नहीं दे सकते हो, हल्का उसे दो, जिससे आपके डॉग को फ़ायदा भी करेगा, क्योंकि दही में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, जिसके कारण उसके स्किन और हेयर का जो क्वालिटी है ना वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए जब भी चाहिए आप उसको दही दीजिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिर भी चाहेंगे कि डॉग को दूध दें, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि दूध में पानी आप डाइल्यूट कर सकते हो, पानी मिला सकते हो। नॉर्मली समझाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर 1 कप दूध लोगे तो उसमें आप 3 कप पानी मिला दो और फिर आप अपने डॉग को दो। मान के अगर अभी आप दूध दे रहे हो और आपका डॉग इसे नहीं छोड़ सकता है, तो पहले आप 1 कप में 3 कप पानी मिला के इस तरीके से डाइल्यूशन करके, ठीक है, 4:1 का सॉल्यूशन आप उसमें रखोगे तो आपके डॉग को जो दूध से प्रॉब्लम होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि डॉग के लैक्टोज की क्वांटिटी जो होनी चाहिए दिन भर में, जिसे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वो 2 ग्राम के आसपास है, ठीक है। तो अगर आप अपने डॉग को लेस देन 50 ग्राम दोगे उसमें पानी मिक्स करके, तो आपके डॉग को ये जो प्रॉब्लम होगा दूध के कारण वो धीरे धीरे हट जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपने डॉग को दूध देने से अगर रोकोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। और दोस्तों बहुत सारे ब्रीडर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पप्पी को, मतलब कुत्ते के बच्चे को दूध देते हैं और उसे कुछ नहीं होता है। दोस्तों इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो पप्पी होता है ना उसमें लैक्टेज निकलता है, क्योंकि पप्पी तो माँ का भी दूध पीता है, तो माँ के दूध में भी लैक्टोज होता है,
तो उसको पचाने के लिए पप्पी रिलीज करता है लैक्टोज, और पप्पी गाय का भी दूध बढ़िया से डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन हाँ, उसमें भी अगर आप पानी डाइल्यूट करके दोगे तो पप्पी गाय का भी दूध डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन हाँ, उसको अवॉइड कीजिए। अगर आपका डॉग पप्पी है तो उसको पप्पी मिल्क दीजिए, और जब बड़ा हो जाए तो उसको स्टार्टर पिलाइए। तो इस तरीके से आप अपने पप्पी को हेल्दी भी बना पाओगे और साथ ही साथ उसको एक्टिव और अच्छा ग्रोथ भी दे पाओगे। दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और होप करता हूँ कि आज के बाद आपको दूध से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको दूध देना है या फिर नहीं देना है। हालांकि इस वीडियो के लिए मैंने एक छोटा सा रिव्यू रखा है, वो ये कि आप मुझे 1 से लेकर 10 नंबर दे सकते हो, जिससे मुझे ये पता चल पाएगा कि मैंने आपको कितना सेटिस्फाई कर पाया है, ताकि मैं आने वाले वीडियो में और भी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। और दोस्तों, यही रहा हमारा आज का वीडियो, और आने वाला जो वीडियो है ना, उसमें दोस्तों आप लोग बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाओगे। वो मैं इस पर नहीं, व्लॉग वाले चैनल पर डालूंगा, ठीक है। उस चैनल पर ये डालूंगा कि मेरे गांव में अभी के टाइम में बताता हूँ, 2 दिन पहले नागपंचमी में एक औरत के बॉडी में भूत आ गया, और मैंने उसे फॉर्चुनेटली कह लो कि मैंने उसे कैमरे पर रख लिया। तो वो किस तरीके का एक्टिविटी कर रही थी, आप देख करके बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाओगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, और आपको वो वीडियो मिल पाए मेरे व्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डॉग से रिलेटेड हर तरह की जानकारी की वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप एक डॉग लवर हो या फिर एक डॉग ऑनर हो, तो आपको डॉग से रिलेटेड हर तरह की जानकारी की वीडियो मिल पाएगी। और आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। खैर दोस्तों, हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है।